Hello students, so let's start today worksheet. Worksheet subject is science. Worksheet number 8, 12th of August, date, class 7th. You can write here name of the student, name of the class teacher. The worksheet topic is nutrition in animals, digestion in human. Okay, so let's start. Raju has getting ready for school. So he was taking his breakfast food very fast and without properly chewing. His mother asked him to chew his food properly before intake. Could you think why did she ask so? Let us explore. Food is taken into the body through the mouth. Okay, the process of taking food into the body is called injection. Okay, the process of taking food into the body is called ingestion. The food gets broken down into small pieces with the help of teeth. It helps in easy ingestion as well as in digestion of food. Okay, our teeth vary in appearance and perform different function. Food ko hum jab unke through hum प्रोसेस करते हैं बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर, जब स्टमक के अंदर खाना जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन. द फूड गेटिंग ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेज विद हेल्प ऑफ द टीथ. ठीक है, सो जब दांतों की मदद से जब छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं खाने के, तो ये हमारे लिए इजी होता है इंजेक्शन करना, इंजेक्शन एज वेल एज इसको हम बोलते हैं डाइजेशन. तो खाने का डाइजेशन होता है. आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, हमारे टीथ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं दिखाने के, देखने में और परफॉर्म यानी कि उनकी फंक्शनलिटी, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनकी, वो वर्क करने की क्रिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इमेज दी हुई है, लेट्स सी दिस पिक्चर. ये जो फर्स्ट टू टीथ इज देयर लाइक दिस, दिस कॉल्ड इंसिसर्स, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ. ठीक है, किसी दांत से काटना हो किसी को तो हम यहाँ से करते हैं. ठीक है, देन फिर जो ये लेफ्ट में दो टीथ होते हैं एंड देन राइट में टू टीथ जब इंसिसर्स के बाद आते हैं, सर कैनी प्रेसिंग एंड टीयरिंग टीथ या चीरना. ठीक है, टीयरिंग किसी को टीयर करना, टीयर्स करते हैं ना, गन्ना चीरते हैं जैसे कि, तो उसको चीरना, तो ये टीथ हम परफॉर्म करते हैं हमारे. देन फिर यहाँ पे दो टीथ लेफ्ट में एंड देन राइट में टू टीथ इस तरीके से होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमोलर. Chewing and grinding teeth, ठीक है, चबाना और पीसने के काम आते हैं ये टीथ को. अच्छे तरीके से जो खाना हम खाते हैं, चबाते हैं, वो इन्हीं टीथों के यूज़ होते हैं. देन फिर मोलर, सेम एज प्रीमोलर, chewing एंड ग्राइंडिंग टीथ. यहाँ पर तीन इस तरीके से लेफ्ट में, लास्ट में होते हैं और ये इस तरीके से. ओके, लेट्स गो फर्दर. आवर माउथ हैज़ द सलीवरी ग्लैंड्स विच सिक्रेट सलीवा. द सलीवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इंटू शुगर. We can experience it if we chew a piece of bread for some time. When saliva get mixed properly, it tastes sweeter. ठीक है, तो हमारे माउथ में एक सलीवरी ग्रंथि होती, ग्लैंड होता है, विच वो क्या करता है कि वो सलीवा जो होती है, जो हमारी लार होती है, उसको क्रिएट करता है. ठीक है, तो जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं, तो क्या होता है कि जो सलीवा है, सलीवा रस क्रिएट करता है, सलीवा रस होता है, सलीवा रस में क्या होता है कि शुगर होती है. ठीक है, तो शुगर मीठी होती है. ठीक है, तो जब हम खाना जब चबाते हैं, च्विंग मतलब तो पीसेस होते हैं छोटे छोटे, उसमें सलीवा यानी कि शुगर मिक्स होती जाती है, सलीवा रस, लार का रस मिक्स होता है, तो हमें खाना टेस्टी और मीठा लगने लगता है. ठीक है, सो लेट अस डू इट एट योर होम. जब खाना खाएं तो इसको एक्सपीरियंस करिएगा घर पे. तो आगे चलते हैं. दर इज अ टंग. द टंग इज फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. ठीक है, टंग एक मांस का ऑर्गन होता है जो अटैच होता है हमारे बैक, मुंह के बिल्कुल बैक के आगे के तल पर. ठीक है, आगे की तरफ निकला हुआ. इट हैज़ अ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड. ठीक है, तो इसमें टेस्ट बर्ड्स होती हैं, कुछ कलिकाएं होती हैं जो स्वाद बताती हैं, लाइक दिस टेस्ट बर्ड फॉर स्वीटर. कुछ भी मीठी चीज़ होगी यहाँ पे, इस टेस्ट बर्ड में संपर्क में आएगी तो पता लग जाएगा कि ये मीठी चीज़ है. एंड दिस टेस्ट बर्ड इज़ फॉर सोर.
कुछ भी खट्टी चीज़ और चीज़ होगी तो इन टेस्ट बड के संपर्क में आते हमें पता लग जाता है कि ये खट्टी है और दिस इज साल्टी, साल्टी दिस देयर, ये यहाँ से यहाँ तक टेस्ट बड्स होती हैं ठीक टंग के ऊपर, तो ये साल्टी पता लगता है एंड देन लास्ट में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ टेस्ट बड होती है फॉर द बिटर, यानी कुछ भी कड़वी चीज़ होती है तो हमारे यहाँ पे आते ही पता लग जाता है कि ये कड़वी है। ओके, डेंटल केयर गुड हैबिट, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। ठीक है, तो खाना खाने के बाद दांत तो को जरूर साफ़ करना चाहिए, नहीं साफ़ करेंगे तो बैक्टीरिया बन जो खाने के पीसेज होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं और उनसे हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, पैदा हो जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द सुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन होने शुरू हो जाता है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो हमने खाना खाया है उसमें शुगर तो होती होती है, ठीक है, तो उन शुगर्स को क्या करते हैं ये जो खाना रह जाता है तो उससे क्या करते हैं शुगर से रिलीज करते हैं, एक एसिड रिलीज करते हैं, तो उस एसिड से क्या होता है कि दांतों को नुकसान होता है, द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ठीक है, तो वो एसिड जो होता है डैमेज करता रहता है धीरे धीरे दांतों को, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, इसलिए हमें दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, दातून करनी चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में दो बार करनी चाहिए मॉर्निंग एंड नाइट एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, और खाना खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये सारे बैक्टीरिया ना पैदा हों और हमारे दांत अच्छे रहें। ठीक है, दिस अ गुड हैबिट, लेट्स टेक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली व्हाइल ईटिंग। ओके, यू कैन राइट आंसर लाइक दिस वन, द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, इट हेल्प इन इजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। सो यहाँ तक आप लिख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया। ओके, नाउ टेक सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ। दूसरा क्वेश्चन है कि हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिन द माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर आपका क्वेश्चन नंबर टू का हो गया। ठीक है, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर किसी का फंक्शन लिखना है, तो फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, यू कैन राइट हियर द सैलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट सलाइवा। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक का आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट यहाँ तक है। ओके, सेकंड टंग, सो टंग का लिख सकते हैं फंक्शन क्या है टंग के लिए, इट हैज़ अ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेस ऑफ फूड, ये थर्ड का सेकंड यहाँ तक है, थर्ड का मैं लिख दिया है यहाँ। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट में इसलिए देख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। देन आता है मोलर टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। ठीक है, मोलर टीथ क्या करते हैं, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ये आपका तो हो जाता है थर्ड क्वेश्चन का थर्ड। नाउ लास्ट इज सलाइवा, सो सलाइवा फंक्शन इज द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म होगा, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड का फोर्थ आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक का आप आंसर लिख सकते हैं, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इंटू सुगर। सो दिस वर्कशीट हैज़ फिनिश, सो प्लीज़ स्टूडेंट प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वर्कशीट। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।